हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतिमा भारती एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पैसिव ऑफ शुड हैव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ शुड हैव पैसिव। तो समझते हैं किस सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शुड का यूज कब किया जाता है। गाइज, जब आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंट टाइम में एडवाइस देते हो या फिर किसी व्यक्ति से प्रेजेंट टाइम में एडवाइस लेते हो, तो इस सिचुएशन में दोस्तों यूज किया जाता है शुड का। लेकिन कब? प्रेजेंट टाइम में। लेकिन दोस्तों, जब आपको किसी व्यक्ति को पास्ट टाइम में एडवाइस देना हो या फिर किसी व्यक्ति से पास्ट टाइम में एडवाइस लेना हो, तो यहाँ पे यूज किया जाता है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आज हम लोग इसी का सीखने वाले हैं पैसिव। तो समझते हैं सबसे पहले एक्टिव। एक्टिव क्यों? क्योंकि दोस्तों, पैसिव समझने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव समझना होगा, ताकि आप अच्छे तरीके से पैसिव समझ सके। गाइस, एक्टिव में सिचुएशन ये होता है, जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को पास्ट टाइम में एडवाइस देते हो या फिर किसी व्यक्ति से पास्ट टाइम में एडवाइस लेते हो, तो इस सिचुएशन में यूज किया जाता है एक्टिव का। यानी कहने का मतलब कि पास्ट टाइम में सब्जेक्ट आपका डूअर होगा, सब्जेक्ट कोई काम को खुद करेगा, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म पास्ट टाइम में खुद करेगा। लेकिन दोस्तों, जब पैसिव की बात आती है तो पैसिव में ऐसा नहीं है। पैसिव में क्या है कि सब्जेक्ट किसी काम को पास्ट टाइम में नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा, यानी सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा। जैसे यहाँ पे एक्टिव का सेंटेंस है, उसे डांटना चाहिए था, और यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस है, उसे डांटा जाना चाहिए था। तो दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? गाइज, एक्टिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका डूअर है, और पैसिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं है, सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है। उसे डांटना चाहिए था, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पैसिव में दोस्तों, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ये होता है आपका पैसिव। अब हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रक्चर। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव। ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है शुड हैव का, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज कर देना है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, उसे डांटना चाहिए था। तो सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या यूज करना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है उसे, यानी ही। इसके बाद लगाना है शुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है डांटना, यानी स्कोल्डेड। उसे डांटना चाहिए था, ही शुड हैव स्कोल्डेड। अब हम लोग देख लेते हैं पैसिव का सेंटेंस। सबसे पहले समझेंगे स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज कर देना है सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा, यानी सब्जेक्ट रिसीव करेगा, सब्जेक्ट रिसीवर होगा। इसके बाद आपको यूज कर देना है शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाई लगाकर डूअर को दिखा सकते हो, यदि आपको जरूरत पड़े तो। एग्जाम्पल देखते हैं, उसे डांटा जाना चाहिए था। तो सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसे, यानी ही। इसके बाद यूज करना है शुड हैव बीन, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है डांटना, यानी स्कोल्डेड। उसे डांटा जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन स्कोल्डेड। यहाँ पे एक्टिव का सेंटेंस है, आपको आमंत्रित करना चाहिए था, आपको आमंत्रित करना चाहिए था। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू। इसके बाद यूज करना है शुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है आमंत्रित करना, यानी इनवाइटेड। आपको आमंत्रित करना चाहिए था, यू शुड हैव इनवाइटेड। यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस है, आपको आमंत्रित किया जाना चाहिए था, आपको आमंत्रित किया जाना चाहिए था। तो सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट है यू।
इसके बाद यूज करना है शुड हैव बीन, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब आमंत्रित करना यानी इनवाइटेड। आपको आमंत्रित किया जाना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इनवाइटेड। एक टिप सेंटेंस है, कल मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, कल मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, तो सबसे पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मुझे यानी आई। इसके बाद यूज करना है शुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है बताना यानी टोल्ड, किसे, तुम्हें, यू, कल, यस्टरडे। कल मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड यू यस्टरडे। यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस है, कल मुझे बताया जाना चाहिए था, कल मुझे बताया जाना चाहिए था, तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है, नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे है आई। इसके बाद यूज कर देना है शुड हैव बीन, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है बताना यानी टोल्ड, कल, यस्टरडे। कल मुझे बताया जाना चाहिए था, आई शुड हैव बीन टोल्ड यस्टरडे। अब हम लोग देख लेते हैं गाइस नेगेटिव स्ट्रक्चर। पैसिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज कर देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है, नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस शुड नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाई लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, इस कमरा को साफ नहीं किया जाना चाहिए था, इस कमरा को साफ नहीं किया जाना चाहिए था, तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इस कमरा यानी दिस रूम। इसके बाद यूज करना है शुड नॉट हैव बीन, शुड नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है साफ करना यानी क्लीन्ड। इस कमरा को साफ नहीं किया जाना चाहिए था, दिस रूम शुड नॉट हैव बीन क्लीन्ड। ये हो गया दोस्तों आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। अब हम लोग देख लेते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। दोस्तों इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत आपको कब पड़ती है, जब कभी भी गाइस आप सामने वाला व्यक्ति से यस और नो जानना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में आपको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज कर देना है शुड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है, नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाई लगाकर डूअर को दिखा सकते हो, जरूरत पड़े तो। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, क्या उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, तो सबसे पहले यूज कर देना है शुड, शुड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसे यानी ही। इसके बाद यूज करना है हैव बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है गिरफ्तार करना यानी अरेस्टेड। क्या उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, शुड ही हैव बीन अरेस्टेड। तो ये है गाइस आपका शुड का पास्ट का पैसिव। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आसानी से आप तक पहुँच सके। थैंक यू।